नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अलीराजपुर विधानसभा की समस्या लेकर विधायक मुकेश पटेल आए भोपाल, एवं साथ में शाहपुरा विधायक भूपेंद्र मराबी भी रहे। दोनों की विधानसभा क्षेत्र की समस्या एवं विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बात होती है मध्य प्रदेश के काफी एमएलए और विधायक से मिलते हुए हम भोपाल में आए। राजधानी भोपाल है, दूर दराज से काफी एमएलए आ रहे हैं, अपनी विधानसभा मांग उठाएंगे, काफी अपनी जो समस्या पड़ी वो लेके यहाँ पर चर्चा करेंगे, सत्य में उठाएंगे। हमारे पास बैठे हैं मुकेश पटेल जी, विधायक हैं अलीराजपुरा से, काफी जाने पहचाने युवा कांग्रेस के माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीद लगाई, विधायक बन गए। मुकेश पटेल जी बताइए, आपके क्षेत्र की क्या मांगे लेके आए क्षेत्र में? देखिए, मैं अलीराजपुर विधानसभा से हूँ। जी, 101 इनकम जी, और मुझे जनता ने यहाँ भेजा है जी, मैं उनकी समस्या दूर करूँ जी। तो सबसे पहले पानी की समस्या ज़्यादा है जी मेरे क्षेत्र में जी, रोड की भी है, स्कूल की भी है जी, और स्वास्थ्य की भी है जी। तो ये मुद्दे हम यहाँ उठाएंगे और जनता के लिए हम बढ़ाए जाते हैं। 15 साल तक आपने बीजेपी का शासन देखा, वर्तमान में कांग्रेस सरकार में एमएलए भी है, तो क्या ऐसी कुछ नई योजना लाई है किसानों के लिए, जिसमें कर्जा माफी का भी कहा गया था, कहीं ना हद तक कर्जा माफी हो, कुछ योजना अभी तक लागू नहीं हो पा रही, उनका क्या कहना है आपका? देखिए, कर्जा माफ तो सरकार ने वादा किया जी, वो हो भी गया जी, और अभी दूसरे फेज में भी होगा जी कर्जा माफी का, और जो दूसरी जो योजना है जी वो लागू हमारी सरकार करेगी जी, क्योंकि अभी 6 महीने हुआ हमारा सरकार का, और 3 महीने चुनाव में चलेंगे, और अभी बजट सत्र के बाद योजना लागू होगी। एक बार एमएलए साथ बैठे भूपेंद्र, जो कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे माने, चाहे युवा विधायक कह दो और चाहे युवा पार्टी का कोई नया चेहरा कह दो, विधायक जीत के आए शाहपुरा से, क्या क्या काम ऐसे आप लेके आए हो जो आप उठाओगे? कांग्रेस पार्टी में आप काफी दिन तक आपने काम किया, युवा कांग्रेस में विधायक बन के युवाओं के लिए क्या सोच के लाए इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी चुनौती हमारी, जिस तरीके से 15 साल भाजपा की सरकार थी, हम लोग क्षेत्रों में जाते, इतनी बड़ी चुनौती है वहाँ पे कि भाजपा की जो सरकार है झूठी घोषणाएं करके आश्वासन देके लगभग क्षेत्र में किसी प्रकार से ज़्यादा काम नहीं किया। अभी सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के क्षेत्र में पानी की समस्या, दूसरा स्कूलों में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे खंडर पड़े हुए हैं, या फिर बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को अभी बरसात का समय लगा हुआ है, कीचड़ से होके जाना पड़ता है। दूसरा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बड़ी समस्या है, और वहाँ पे अस्पतालें की व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं है, बहुत सी चीज़ों की कमी है। कई मांगें उठती आ रही हैं, अतिथि शिक्षक हो गए, बीजेपी सरकार मांग उठाते थे पक्का करेंगे, आप लोगों की सरकार ने आश्वासन दिया वचन पत्र में, कब पक्के होंगे अतिथि शिक्षक? मैं सबसे पहले तो माननीय कमलनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 6 महीने के कार्यकाल में आपने जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर जो वचन पत्र में लगभग धीरे माननीय कमलनाथ जी पूरे करते जा रहे हैं, हम लोगों को सभी विधायकों को माननीय कमलनाथ जी पर बड़ा गर्व है। अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, आने वाले समय में देखिए कि आप किस तेज गति से माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश। खबर समय जगत के लिए भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।